जैसा कि उम्मीद थी, एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रनों से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से कई शानदार प्रदर्शन देखने को मिले, मसलन कप्तान बाबर आजम की शानदार शतकी पारी की हम बात कर लें, इफ्तिखार अहमद की धुआंधार बल्लेबाजी की बात कर लें, और इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम के बीच में जो अंतिम ओवर्स में नेपाल के गेंदबाजों की धुनाई हुई उसके बारे में बात कर लें। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और इस बात के संकेत दिए कि वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई रैंकिंग में वो नंबर एक पर क्यों है, और साथ ही भारतीय टीम को एक संदेश भी भेज दिया कि अगर आप पाकिस्तान को हल्के मिलेंगे और पाकिस्तान श्रीलंका जब पहुंचेगी तो आप उसके खिलाफ अगर पूरी तरह से तैयार नहीं होंगे तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में मैं पाकिस्तान की ताकत की बात करने जा रहा हूं या नेपाली कमजोरी की, दरअसल मैं दोनों की बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में भारतीय टीम भी सोच रही होगी, भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान का वीडियो देखा होगा और निश्चित रूप से पूरा एनालिसिस किया होगा कि पाकिस्तान की कमजोर कड़ी क्या है और पाकिस्तान का स्ट्रांग पॉइंट क्या है जहां पर भारतीय टीम को अटैक करना है। चलिए तो इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की बल्लेबाजी की। अगर हम इस पूरे पाकिस्तान पारी का एनालिसिस करें तो पूरी बल्लेबाजी बाबर आजम के इर्द गिर्द घूमती नजर आई। बाबर आजम ने 151 रन जरूर बनाए, लेकिन उनके साथ जो पार्टनरशिप्स हुई, खासतौर से अगर हम रिजवान के साथ पार्टनरशिप की बात कर लें या अंतिम के ओवर्स में इफ्तिखार अहमद के साथ उन्होंने जिस तरह से स्ट्रोक प्ले अपना दिखाया और जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि उनके पास कितना रेंज है, वो देखकर भारतीय गेंदबाजों को अब निश्चित रूप से एक प्लान करना पड़ेगा कि बाबर आजम को या तो आउट किया जाए या तो उनको रन रोकने का जो उनका फ्लो है उसको किसी तरह से रोका जाए। क्योंकि बाबर आजम की एक बड़ी क्वालिटी नजर आई कि वो न सिर्फ खुद रन बनाते हैं बल्कि अपने साथ उनके जो साथी बल्लेबाज होते हैं उनको भी न सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि उनके साथ जो उनका कॉम्बिनेशन नजर आता है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक बड़ी मिसाल थी, नेपाल भले ही बहुत छोटी टीम है, उनकी गेंदबाजी बहुत कमजोर है, लेकिन जिस तरह से इफ्तिखार अहमद ने बल्लेबाजी की वो एक खतरे का संकेत जरूर है भारतीय टीम के लिए। क्योंकि आपको भी याद होगा जब पिछला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ तब इफ्तिखार अहमद ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मैच को टर्न करने का काम किया था, उन्होंने अर्धशतक लगाया था और भारतीय स्पिनर्स की खासतौर से उन्होंने बहुत पिटाई की थी, बड़े बड़े वो शॉट्स खेलते हैं। तो मेरे लिए एक तो बाबर आजम का आउट करना जल्दी, ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बाबर आजम का आउट होने के पीछे की बड़ी वजह यह है कि पूरी की पूरी बल्लेबाजी फिर आप हिला सकते हैं और फिर उसमें उस कमजोरी पे आप प्रहार कर सकते हैं। तो बाबर आजम को जल्दी आउट करना एक बड़ा रणनीति होगी। अगर आप नहीं कर पाते देन आपको फिर करना पड़ेगा कि बाकी के बल्लेबाजों को आप दबाव में डालें, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जैसे बल्लेबाजों को अगर आप लाइसेंस देते हैं तो फिर लाइसेंस टू किल वाली बात होगी, यानी कि यहाँ पर मोहम्मद शमी हो, सिराज हो, या जसप्रीत बुमराह या प्रसिद्ध कृष्णा जो भी खेले उनके पास पहली रणनीति यही होनी चाहिए कि पहले सर्कल में आप जो टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा झकझोरने का काम करें और उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर डाला जाए। क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का चला तो फिर मिडिल ऑर्डर में उनके पास वो असलहे हैं जिसके दम पर वो भारी विस्फोट कर सकते हैं कैंडी के मैदान पर। अब हम बात थोड़ी गेंदबाजी की भी कर लें। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि पहला ओवर शहीनशाह अफरीदी का कितना खतरनाक होता है, उसका एक और एग्जांपल नेपाल के खिलाफ उन्होंने मैच में दिखा दिया। अपने पहले ओवर की पांचवीं और छठी गेंद पे उन्होंने टॉप ऑर्डर के दो बल्लेबाजों को आउट किया और एक बार फिर अपने उस रिकॉर्ड को बरकरार रखा जहां पर वो पहले ओवर में एक या दो विकेट निकालते हैं और फिर पूरे मैच में विरोधी टीम प्रेशर में रहती है। आपको दुबई में खेला गया वर्ल्ड कप भी याद होगा, पहले ओवर में रोहित शर्मा और विराट कोहली को शहीनशाह अफरीदी ने आउट किया और भारतीय टीम वो मैच हार गई। यानी कि शहीनशाह अफरीदी का पहला ओवर कितना इंपॉर्टेंट है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतना है तो पहला जो कड़ी मैंने बताया कि बाबर आजम, इफ्तिखार राव के साथ साथ शहीनशाह अफरीदी के ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर से जो पहला स्पिन डालेंगे, पहली 24 गेंदें जो वो डालेंगे। क्योंकि एक बात तो है कि टुकड़ों में शहीनशाह अफरीदी से गेंदबाजी कराई जाएगी और इन टुकड़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टुकड़ा है वो पहली 24 गेंदें यानी पहली जो व्हाइट बॉल के साथ, नई व्हाइट बॉल के साथ वो डालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम, इफ्तिखार राव के साथ साथ अब मैं बात करूंगा शादाब खान की। टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, लेग स्पिन डालते हैं और पिछले कुछ सालों में भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्रगल जो है स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ भी हर किसी ने देखा है। और ऐसे में शादाब खान जिन्होंने नेपाल के खिलाफ भी 4 विकेट लिए, अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और उनकी लेग स्पिन गेंदबाजी मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, खासतौर से अगर मिडिल ऑर्डर के इनएक्सपीरियंस को हम देखें जहां पर आप हो सकता है ईशान किशन और
ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर खेलते नजर आए, हालांकि श्रेयस अय्यर स्पिन की गेंदबाजी को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर को झेलना बहुत आसान नहीं होता। भले ही आप किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हो, आपके पास प्रेशर होता है, और इस बार प्रेशर तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर है। एक तो पाकिस्तान ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, दुनिया की नंबर एक टीम के टैग के साथ वो श्रीलंका पहुंचेंगे, और साथ ही एशिया कप की पहली जीत का जो टॉनिक है वो भी पाकिस्तान टीम के साथ होगा।